अन्ना का मकसद पूरा, हम मिटाएंगे भ्रष्टाचार। पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि अन्ना के आंदोलन का मकसद पूरा हो चुका है और अब सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। पीएम ने यह बात तो इब्सा देशों की बैठक से भाग लेकर लौटते वक्त अपने विमान में कही है। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के इब्सा सम्मेलन में शिरकत करने के बाद स्वदेश लौटते वक्त पीएम मनमोहन सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए टीम अन्ना से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तक तमाम मुद्दों पर बात की। पीएम ने प्रशांत भूषण के बाद अब टीम अन्ना के सीनियर सदस्य अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले की भी निंदा की और कहा कि विरोध प्रकट करने के और भी तरीके हो सकते हैं। Well, there is no place for violence in our democracy. Therefore, any act of violence is to be condemned. On that point, I think I'm absolutely clear that nothing is gained by pursuit of violence. Howsoever angry one people may feel, there are more civilized ways of expressing one's anger and frustration. अन्ना हजारे और उनके आंदोलन के बारे में पीएम की टिप्पणी थी कि अन्ना के आंदोलन ने अपने मकसद को हासिल कर लिया है और अब सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अपनी राह पर आगे बढ़ रही है। हजारे जीस मूवमेंट हैज सर्वड इट्स पर्पस। आई थिंक वी आर ऑल वर्किंग टू एंश्योर दैट वी हैव इन प्लेस बिफोर लॉन्ग एन इफेक्टिव लोकपाल इन इंडिया। यही नहीं, कृषि मंत्री शरद पवार के ताजा बयान पर भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि गठबंधन में मतभेद कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। Well, we are a coalition government. In a coalition government, there are bound to be differences and the real test is that we should not allow these differences to undermine the cohesiveness. मीडिया से आमतौर पर दूर रहने वाले और सार्वजनिक बयानों से परहेज करने वाले पीएम की हाल की यात्राओं में उन्होंने मीडिया से बेहद खुलकर बात की है और अपनी इस यात्रा में भी स्वदेश लौटते वक्त उन्होंने हवाई जहाज में ही इस सम्मेलन के अलावा भी लगभग सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। जाहिर है कि पीएम पर अपनी छवि को लेकर काफी दबाव है और इसलिए वो लगभग हर मुद्दे पर खुल के बात करने से नहीं चूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।